like you. Be strong to hold the powers of the sun. हेलो दोस्तों, तो आपको स्वागत है मेरे चैनल पे लेट्स लर्न पे। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और वीडियो बना सकें। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मोटिवेशन के बारे में, मोटिवेशन थ्योरी क्या है, ठीक है, कैसे मोटिवेशन मिलता है। तो आज मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से। तो जैसे आप देख ही रहे हैं मोटिवेशन, यहाँ दो लोग हाथ में आ रहे हैं, तो कैसे किसी कंपनी में आपको, यहाँ कोई भी चीज़ में आपको कैसे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, मतलब कि आपको मोटिवेशन मिलता है कि आगे काम करने के लिए, वो थ्योरी क्या है, किन किन लोगों ने थ्योरी दी है और कैसे कैसे थ्योरी बनी है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे आज। तो शुरू करते हैं मोटिवेशन, ठीक है। तो मोटिवेशन जैसे कि आप देख रहे हैं एक सेट ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेज है, ठीक है। अगर आप कहें कि मोटिवेशन कहीं बाहर से आता है या फिर कहीं अंदर से आता है, तो सिर्फ एक जगह से नहीं, दोनों तरफ से आता है। जैसे किसी ने आपको शाबाशी दिया, आपने कोई अच्छा काम किया, तो वो एक एक्सटर्नल फोर्सेज हुआ, ठीक है। और आपके अगर दिल से आए, आपका दिल से आया कि हाँ भाई मुझे काम करना चाहिए, ठीक है, आपका दिल खुश है, ठीक है, आप तब काम कर रहे हो, वो एक इंटरनल मोटिवेशन है। मोटिवेशन का अगर हम हिंदी में अनुवाद करें, शुद्ध हिंदी में, तो कहेंगे उत्साह, ठीक है, कोई भी काम करने में उत्साह। तो वो कैसे आएगा? वो तभी आएगा जब आप इंटरनल और एक्सटर्नल आपके जो फोर्स होंगे वो ठीक होंगे और आप में काम करने का उत्साह होगा, ठीक है। सो दूसरा, तो यहाँ पर तीन जो एलिमेंट्स हैं, तीन जो मेजर एलिमेंट्स हैं, वो है आपका एक डायरेक्ट फोर्सेज हो गया बिहेवियर्स में, ठीक है, और ये हो गया आप कितना, आपका बिहेवियर क्या है। जैसे आप किसी किसी का बिहेवियर होता है कि कोई ज़्यादा काम करना पसंद करता है, ठीक है, कि उसको मतलब उतनी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर उसको कोई भी काम में डाल दो तो वो बिना ज़्यादा कोई मोटिवेशन के या बिना कोई ज़्यादा मेहनत के उस काम कर लेता है, ठीक है। और दूसरा होता है कि कितना लेवल ऑफ एफर्ट आप डाल रहे हो कोई भी काम में। और प्रेजिस्टेंस, कहने का मतलब है कि अगर कोई काम नहीं बन रहा है, मतलब मैंने कोई काम मतलब 10 दिन तक मैं भागा, ठीक है, और लाइक एक फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको भर्ती हो गई या फिर आर्मी में कोई मतलब कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने तैयारी करी, मैंने 10 दिन तक या 15 दिन तक मैंने तैयारी करी और मैं नहीं निकला, ठीक है। तो इसका मतलब ये, अगर आपके अंदर मोटिवेशन होगा, मोटिवेशन कहने का मतलब अगर हम इसके टर्म में देखें, तो आपको आपके अंदर प्रेजिस्टेंस होना चाहिए कि आप इतने बार हारने के बाद भी फिर भी कुछ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर मोटिवेशन है, अंदर से इंटरनल मोटिवेशन, तभी आप काम कर रहे हो। तो वो भी एक परसिस्टेंस भी एक उस मोटिवेशन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। फिर आता हमारा मॉडल ऑफ मोटिवेशन क्या है, देखते हैं आगे। तो एक तो हमारी हो गई ज़रूरत। ज़रूरत क्या है? अगर आप देखें तो ज़रूरत, जैसे कि अगर मुझे कोई ज़रूरत होगी तभी मैं कोई काम करता हूँ। कहने का मतलब अगर मुझे प्यास होगी तभी मैं पानी के पास जाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ज़रूरत है कि मैं कोई लाइक सॉफ्टवेयर बनाऊं या फिर मैं कोई वेब मतलब मेरे अंदर कोई आइडिया है कि मुझे कुछ वेबसाइट बनानी चाहिए, उसमें कुछ काम करना चाहिए, ठीक है, मेरी नीड्स है, मुझे ज़रूरत है, तभी मैं उसको कर रहा हूं। अगर मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं उस काम को नहीं करूंगा, ठीक है। तो अंदर से नीड होनी चाहिए, ड्राइव होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे वो काम करना है, तभी मैं उस काम को कर पाऊंगा, ठीक है, हो गया। फिर हो गया हमारा जो साइड से, मतलब आप ये देखिए जो एरो ऊपर से आ रहा है, इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी हम पे असर करता है, वो भी हमें इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ह्यूमन के इसके में कहा था, ह्यूमन की दो नीड्स होती हैं, एक होगी प्राइमरी, दूसरा होगा सेकेंडरी। प्राइमरी नीड के अंदर वो आता है जैसे कि हमारी बेसिक नीड्स, फिजिकल नीड्स हो गए, रोटी कपड़ा मकान, लाइक ये हमारी फिजिकल नीड्स है, बेसिक नीड्स है, मतलब ये हमें चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि अगर हम रह रहे हैं सोसाइटी में तो हमें चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी हमारी जो नीड्स हैं वो हमारी सोशल और फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, ओके। सो सोशल और फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या हैं? हमें किसी से मतलब दोस्ती करना, ग्रुप में रहना, ठीक है, और कह सकते हैं कि मतलब जो सारी बाकी जो नीड्स हो गई वो फिजिकल मतलब सेकेंडरी नीड्स हैं, ठीक है, लाइक गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो आज जो भी है मतलब, तो वो एक सेकेंडरी नीड्स हो गई, ठीक है। और जैसे यहाँ पर दिखा रखा एग्जाम्पल फोटो में देख सकते हैं आप, जैसे रोटी कपड़ा मकान खाना हो गया, पीना हो गया, हमारी बेसिक नीड्स हो गई। और सेकेंडरी नीड्स हमारे जैसे गैदरिंग हो गया और इंटरेक्शन हो गया लोग साथ, संबंध हो गया, ठीक है, शादी विवाह जो भी है, यह सेकेंडरी नीड्स है। क्योंकि अगर सेकेंडरी नीड्स नहीं होती तो जो साधु बाबा हैं तो वो तो ऐसे ही मर जाते हैं समझ रहे हो मतलब। तो अब यहाँ आ गए मोटिवेशनल ड्राइव्स, ठीक है। सो मोटिवेशनल ड्राइव्स क्या है, क्या हमें मोटिवेशन करता है? तीन चीज़ें हमें मोटिवेशन करती है, एक तो हमें अचीवमेंट्स, एक एफिलेशन, ठीक है, एक होगी पावर। तो शुरू से पढ़ते हैं अचीवमेंट्स क्या होती हैं। मतलब आपने कोई काम किया, ठीक है, अब आपने जो काम किया आपको उससे आपने अचीवमेंट कैसे किया, आप जैसे हमने कोई अचीवमेंट किया, लाइक मैंने तैयारी करी
दौड़ की, ठीक है, मैंने कोई मैंने दौड़ने की तैयारी करी और मैं उस दौड़ में जीत गया, ठीक है। अब मुझे क्या हुआ, अंदर से मेरा उत्साह बढ़ गया कि हाँ भाई मैं एक बार दौड़ चुका हूँ, मैं एक बार जीत चुका हूँ, अब मैं और मेहनत करूँगा और मतलब प्रयास करूँगा करने के। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक और दे सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि हम प्रोग्रामिंग फील्ड से हैं, तो आपने कोई प्रोग्राम की तैयारी करी, मतलब आपने कोई प्रोग्राम बनाया, बन नहीं रहा था आपसे, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, आपने वो बना लिया, ठीक है, तो आपके क्या हुआ, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट्स हुई कि हाँ भाई मैंने कुछ अचीव किया है। और अगर वो दूसरा एग्जाम्पल दे लाइक पबजी, पबजी बहुत लोग खेलते हैं, तो उसी प्रकार से पबजी में मैं एक बार जीत गया, तो फिर मुझे एक मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट हुआ कि हाँ भाई एक बार जीत गया हूँ, एक बार जीतता हूँ, या फिर अगर हार गया फिर मुझे अचीवमेंट होता है कि हाँ भाई एक बार जीत के अगर देखूँ तो क्या होता है। तो उसी प्रकार यहाँ अचीवमेंट की बात करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा एफिलेशन, कि हम लोगों को इससे कितना रिलेट कर पाते हैं, कितना उनसे जुड़ पाते हैं, ठीक है। जितना हम जुड़ पाएंगे उतना हमें मोटिवेट होते जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम कटे होंगे लोगों से तो हम कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड होंगे। आप फॉर एग्जांपल के लिए जितना आप देखोगे, जितना कि जो भी आप सक्सेसफुल हैं या फिर कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई मतलब किसी ना किसी तरह से वो जुड़े होते हैं लोगों से, ताकि काम बन सके, ठीक है, मोटिवेट होने के लिए। और पावर हो गया कि पावर, अगर आपके अंदर पावर है तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, सिचुएशन को बदल सकते हो, ठीक है, उस पावर से। और पावर भी दो तरह की होती हैं, एक इंस्टीट्यूशनल होती हैं, एक पर्सनलाइज पावर होती हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो फिर हमारा आता है, जैसे हमने पढ़ा पड़ा था कि नीड्स हमारी जो ज़रूरत होती हैं वो इन्वायरमेंट से होती हैं, और वो होता है हमारा टेंशन पैदा करता है कि हमें प्रोत्साहन करता है, या फिर कह सकते हैं कि हमें एक 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 ऐसी सिचुएशन डालता है जहाँ की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, देखिए हम उस टेंशन की वजह से हम इफ़ॉर्ट करते हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं। आप एक साइड से एरो देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट बहुत सारा रोल प्ले करता है हमारी भी, कहीं बिना कहीं हमारे मोटिवेशन के लिए। जैसे कि अगर किसी को अच्छा इन्वायरमेंट मिला है, फॉर एग्जांपल के लिए कोई पर्सन है, उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिला है पढ़ने के लिए, या फिर कोई भी स्टडी के लिए, या फिर कोई तैयारी के लिए, ठीक है, तो वो उसमें बहुत अच्छा कर पाएगा। अब आप देख रहे हैं आपकी कोई नीड है, ठीक है, आपने कोई नीड पूरा कर रहे हैं, अब आपके पास अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है, मतलब कि आपके पास मौके नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने तैयारी तो आप कर रहे हो, लाइक बहुत सारे गवर्नमेंट जो मतलब बच्चे हैं वो बहुत सारी गवर्नमेंट नौकरी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पर अगर कोई मतलब गवर्नमेंट कोई स्कीम नहीं निकाल रही है, या फिर जो सीट नहीं निकाल रही है, तो कहीं ना कहीं उनके अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो इफॉर्ट कर भी देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो साइड से जो चीज़ें हैं ज़रूरी है, आपने गोल सेट किए, इंसेंटिव सेट किए, तो जब आप इफॉर्ट लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपको आप वो परफॉर्मेंस आएगी, ठीक है। और अगर आपके एबिलिटी है तो सब कुछ मिलके जब शुरू से नीड से लेकर परफॉर्मेंस तक, तो फिर आपको बाद में रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जुड़ती जाती हैं कहीं ना कहीं साइड से, और हमें पता नहीं लगता है, ठीक है। और यहाँ पर तीन टाइप की मेजर रिवॉर्ड्स हैं, एक हमारा हो गया आपका फेयर ट्रीटमेंट हो गया, एक हमारा हो गया दूसरा सेंस ऑफ अचीवमेंट हो गया, और तीसरा हमारा कमांडरी, ठीक है। कमांडरी मतलब कि हम सिचुएशन से कितना ताल्लुक रखते हैं, सिचुएशन कितना अच्छा हैंडल कर पाते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरह के मेजर रिवार्ड होते हैं जो हमें मिलते हैं, ठीक है, हम उस सिचुएशन में ढल जाते हैं। जैसे कि किसी को स्टेज का फेयर होता है, तो जब वो बहुत बार स्टेज में जाता है, वहाँ डांस करता है और कोई ना कोई प्ले करता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो उसको एक कमांडरीन मिलता है, मतलब ये भी एक रिवॉर्ड होता है, कहीं ना कहीं उसका जो फेयर था वो दूर हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं खुल रहा है। तो इसको वो फेयर ट्रीटमेंट मतलब कि अगर आपको अचीवमेंट होता है तो आपको सब अच्छे से ट्रीट करते हैं, लाइक आपने कोई प्राइज़ जीता, ठीक है, लाइक आप कहते हैं आप प्रोग्रामिंग फील्ड में हो तो आपने कोई प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कोई प्राइज़ जीता, ठीक है, तो आपको सब फेयर ट्रीटमेंट देंगे कि हाँ भाई ये हमारे उससे है। तो जब आप अच्छा काम करते हो तो आपको फीडबैक मिलता है कि हाँ भाई अच्छा काम कर रहा, तो आपको एक मोटिवेशन वहाँ से मिलता है। कमांडरी मतलब कितना लोगों से जुड़ सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने शुरू में बता दिया। अब यहाँ पर आ गई हमारी, हमने रिवार्ड मिला, ठीक है, अब जैसे हमने पहले था कि हमें रिवार्ड मिला, अब रिवार्ड हमें जो मिला उससे हमें सेटिस्फेक्शन हुई, सेटिस्फेक्शन मतलब हमें संतुष्टि हुई, हाँ भाई जो हमने काम किया उसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ तो मिला हमें, ठीक है, तो हमें इच्छा हमारी अंदर की पूर्ति हुई, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है ये ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट आता है हमारा मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स कैसे काम करता है, ठीक है। देखिए मैं आपको चीज़ एग्जांपल देता हूँ, हमारी जो असल की नीड्स हैं, नीड आपने बहुत सुन लिया होगा ये शब्द क्या है, नीड का मतलब होता है ज़रूरतें, ठीक है, हमारे जो हमारे सर्वाइवल नीड्स हैं और फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो काफ़ी बड़े, देख लो आप एग्जांपल ट्रायंगल में बहुत बड़ी स्पेस दिखा रहे हैं, ठीक है। देन हमारा आता है सेफ्टी नीड,
कि कहीं ना कहीं हमें डर रहता है कि कुछ कहीं कुछ हो ना जाए, उसकी नीड्स बहुत बड़ी हैं, ठीक है। लव हो गया, अफेक्शन हो गया, गर्लफ्रेंड हो गए, बॉयफ्रेंड हो गए, यू नो, ओके। सो ये भी एक नीड है हमारी, ज़रूरत है, कहीं ना कहीं हमें इमोशनल सपोर्ट चाहिए किसी का, किसी लड़की का, लड़की का, तभी तो लोग गर्लफ्रेंड बनाते हैं, बॉयफ्रेंड बनाते हैं, ठीक है। तो समझ सकते हो ना भाई लोग। तो अब दूसरा आता है स्टीम नीड्स, सेल्फ स्टीम नीड, ठीक है, मतलब खुद का एटीट्यूड, खुद का विश्वास, खुद की मतलब इज्जत, ठीक है, ये भी हमारी एक ज़रूरत है। तो देख लो आप कितनी बड़ी ज़रूरत है, ठीक है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब असल में जो हमारी ज़रूरत है वो बहुत छोटी है, ठीक है। मतलब आप अगर मान एक एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोलूँ तो हमारी नीड क्या है, हमारी नीड है सिर्फ और सिर्फ रोटी कपड़ा मकान, आपको खाना मिल जाए, आपको एक छत मिल जाए, आपको आपका बदन ढक जाए, वो तो हमारी नीड्स हैं, ठीक है। और बाकी जो नीड्स हैं जैसे लाइक फरारी बोलता है कि मतलब बहुत सारे जो कार्स के लोग हैं वो ऐसे ऐड दिखाते हैं कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आपकी ज़िंदगी झंड है, ठीक है। तो अगर सच में देखें तो झंड तो है ही नहीं, क्योंकि बहुत से लोग नहीं है, पर वो ऐसा दिखाना चाह रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आपकी अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आपकी ज़िंदगी झंड है, ओके। तो लाइक उसी में मैं कह रहा हूँ जैसे फिजिकल और सर्वाइवल नीड्स, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी नीड्स हैं, जैसे सेफ्टी नीड्स हो गया, सेफ्टी नीड्स पर अगर हम देखें तो हमारे पास लोग कुत्ता भी पालते हैं, लोग कैमरा लगाते हैं, मतलब बहुत सारी जो सेफ्टी की नीड्स के, लाइक सेफ्टी गार्ड रखते हैं और बहुत सारी नीड मतलब करते हैं, लेकिन असल में उनकी ज़रूरत उतनी नहीं है, ठीक है। जो बेसिक ज़रूरतें हमारी बहुत कम है, जैसे लव अगर ट्राइंगल में देखें तो बहुत छोटा सा पार्ट है जो कि बेसिक नीड्स में आता है। तो यहाँ पर तीन तरह के मॉडल्स हैं, एक हो गया मास्लो मॉडल्स, दूसरा हो गया आपका हर्ज़बर्ग मॉडल और तीसरा हो गया आपका एल्डरफ मॉडल, ठीक है। सो जो मास्लो मॉडल्स है, जो मॉडल है उसमें है आपका सेल्फ एक्चुलाइजेशन और जो फुलफिलमेंट नीड्स हैं, ठीक है। आपको क्या फुलफिलमेंट सबकी नीड्स हैं, स्टीम एंड स्टेटस नीड हो गया कि आपको स्टेटस आपकी नीड होगी कि आपको एक मतलब पहचान चाहिए, ठीक है। लाइक अगर आपका नाम पंकज है, आपका नाम संदीप है, आपका नाम कुछ भी है, ठीक है, तो आपको एक स्टेटस चाहिए कि हाँ भाई मुझे मेरे नाम से जाने लो, सबको होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। दूसरा वो बिलोंगिंग, सोशल नीड्स आपकी, कि सोशल नीड्स हैं कि आपको उठना बैठना, लोगों के साथ घुलना मिलना, ये आपकी एक नीड है, ठीक है। तो ये तीनों ने अलग अलग नीड दी थी, ठीक है। सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स की मैं बात करें, फिलोलॉजिकल नीड हो गई, ठीक है। देन हर्ज़बर्ग ने एक मॉडल निकाला, उसमें कहा मोटिवेशनल फैक्टर क्या क्या है, ठीक है, और मेंटेनेंस फैक्टर क्या क्या है। तो जो मोटिवेशन फैक्टर है वो कि वर्क खुद करना, अचीवमेंट, जब आपको अचीवमेंट मिलती है तो वो अचीवमेंट एक मोटिवेशन काम करती है, ग्रोथ होना वहाँ पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना, आपको एडवांसमेंट मिलना, आपको एक पहचान होना, ठीक है। और मेंटेनेंस फैक्टर क्या है, मतलब उसको मेंटेन करने के लिए आपको स्टेटस चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, सुपरविजन, पीयर रिलेशनशिप और कंपनी एक्सेट्रा सेक्टर, ठीक है। अल्डरफर का मॉडल ये था कि आपको ग्रोथ नीड चाहिए, कि आपको बढ़ने के लिए एक जरूरत चाहिए, आपको रिलेटनेस नीड चाहिए, आपको एक्जिस्टेंस नीड चाहिए, आपको हाँ भाई आप भी हो वो एक होना चाहिए, ठीक है। तो जो हर्ज़बर्ग के जो दो मॉडल फैक्टर हैं वो आपके जो रिसर्च की गई थी अकाउंटेंट ने, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने 1950 में दो फैक्टर निकले थे मॉडल ऑफ मोटिवेशन के। पहला हो गया मेंटेनेंस और हाइजीन फैक्टर। मेंटेन और हाइजीन फैक्टर क्या है, ठीक है, देयर प्रेजेंस जनरली ब्रिंग्स एम्प्लॉय ओनली टू अ न्यूट्रल स्टेट। उनकी जो प्रेजेंस है वो लाती है एम्प्लॉयज को एक न्यूट्रल स्टेट में, ठीक है। द फैक्टर आर नॉट स्ट्रांगली मोटिवेटिंग, जो फैक्टर है वो स्ट्रांगली मोटिवेटिंग नहीं है, पर तब भी वो मेंटेन करके रखती है सिचुएशन, ठीक है। मोटिवेशनल फैक्टर्स वो क्या है, जैसे कि जॉब हो गया, अगर जॉब की अच्छी कंडीशन है, कहने का मतलब है कि आप अगर सेटिस्फाई हो अपने फैक्टर से, मतलब अपने जॉब से, तो आप अंदर से आपको मोटिवेशन खुद आएगा, ठीक है। जो फैक्ट और यहाँ पर हम देखते हैं, इफेक्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड मोटिवेशन फैक्टर, लाइक हाईली नेगेटिव फीलिंग, न्यूट्रल और हाईली पॉजिटिव। तो ये ग्राफ है, ठीक है। मेंटेनेंस अगर एब्सेंस है यहाँ पर, देखो यहाँ अगर यहाँ कुछ आता है इसको मतलब आपका एब्सेंस है, मेंटेनेंस फैक्टर आपका यहाँ पर प्रेजेंस है, तो मोटिवेशन फैक्टर यहाँ पर प्रेजेंस है, ठीक है। अगर आपका मेंटेनेंस फैक्टर हाई होता है तो नेगेटिव फीलिंग्स बढ़ रही है, हाई पॉजिटिव फीलिंग मतलब आपका मोटिवेशन फैक्टर कहीं ना कहीं ऊँचा है, ठीक है। तो ये ग्राफ दिखा रखा है कि कैसा है, लाइक अगर हम जॉब कंटेंट के बारे में बात करें, आप कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पर आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो आपका अपने आप मन करेगा कि हाँ भाई इस चीज़ में मैं लगता हूँ जो भी है सकता है, ठीक है। सो वो बहुत मोटिवेट करता है आपके, अगर पे अच्छी है, आपको अगर अच्छी तनख्वाह मिल रही है और आपको आपकी इम्प्लॉयज अच्छी है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपकी वहाँ ग्रोथ अच्छी है, सिक्योरिटी है आपकी जॉब की, कहीं का कल के दिन छूट ना जाए, तो कहीं ना कहीं आप कहोगे हाँ भाई जो भी है बढ़िया है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप कहोगे फक ऑफ, लाइक फक ऑफ, नहीं पढ़ना, नहीं रहना, ठीक है। तो लाइक समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेंटेनेंस फैक्टर जो मेनली रिलेट करते हैं, इन्वायरमेंट बहुत डिपेंड करता है, ठीक है,
अब दूसरा एग्जाम्पल इंसेंट्रिक एंड एक्सेंट्रिक मोटिवेटर। इंसेंट्रिक मतलब जो इंटरनल रिवॉर्ड मिलते हैं। इंटरनल रिवॉर्ड्स क्या हैं? इंटरनल रिवॉर्ड्स का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं खुशी मिल रही है, जैसे कि आप कहीं ऑफिस जा रहे हो, लाइक आप कहीं आप 8 to 9, 10 to 5 कहीं जॉब कर रहे हो, आपको कहीं आपकी मतलब जो मान लीजिए आपको गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सेक्टर सेक्टर है, ठीक है, तो आपको खुशी मिल रही है, आपको एक मतलब एक सेटिस्फेक्शन हो रही है, हाँ भाई उससे मिल रहा हो, क्योंकि जॉब करके खुशी तो मिलती नहीं है, पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए तो आपको खुशी मिलता है, आप छोड़ोगे क्यों? क्यों छोड़ोगे? क्योंकि आपको इंटरनल रिवॉर्ड्स मिल रहा है वहाँ कहीं ना कहीं, ठीक है। और एक्सेंट्रिक मोटिवेटर क्या है कि इसमें आपको कहीं बाहर से मिल रहा है, जैसे कि इसमें कोई डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं है, पर आपको बाहर से मिल रहा है, लाइक आपकी बॉस ने आपकी तारीफ कर दी, ठीक है, एग्जांपल के लिए। अब इंटरप्रेशन जो हेंजल मॉडल है वो एक प्रोवाइड करता है यूजफुल डिस्टिंक्शन बिटवीन मेंटेनेंस इफेक्ट, ये ऐसी है, ठीक है। अगर हम इसका कंपेयर करें, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देखो ये एल्डरफर की जो ये थ्योरी थी कि एक्सट्रिंसिक आपको नीड चाहिए कि आप वहाँ पर हो, आपको फिजिकली आपको वर्क कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, जॉब की सिक्योरिटी जैसे उन्होंने बताया था, और फायरिंग मतलब बेनिफिट्स होना चाहिए कि अगर आपको कल के दिन निकाला जाए तो कोई मतलब सिक्योर है आपको जॉब, ठीक है, और आपके वहाँ पर लोग अच्छे होने चाहिए, एम्प्लॉय होने चाहिए जो आपकी मदद कर सकें, ग्रोथ किए, मतलब कहीं ना कहीं आपकी कल के दिन ग्रोथ होनी चाहिए। तो इनके बीच में अगर कंपेरिजन करें तो जो मास्लो एल्डरफर है उसने कहीं ना कहीं फोकस किया आपके इंटरनल नीड्स पे, और जो हर्ट्ज़बर्ग है उसने आइडेंटिफाई किया है कि कंडीशन इम्पोर्टेंट करती है जो हमें कहीं ना कहीं वहाँ पर ढालने मत करती है, ठीक है, कि जैसे इंडिया में अगर आप हो तो आप तभी काम करोगे जब आपको अच्छी तनख्वाह मिलेगी, लाइक क्योंकि अब देखो कंडीशन बहुत डिपेंड करती है, जैसे बाहर अगर कहीं देखें बाहर कहीं फॉरन में, तो वहाँ पर क्या है कि जितने घंटे आप काम कर रहे हो उतने आपको हिसाब से तनख्वाह मिल रही है, पर इंडिया के वहाँ अलग है, क्योंकि यहाँ पर घंटों के हिसाब से दिन के हिसाब से मिलती है, तो वो अलग है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक मज़े कीजिए, जो करना है वो कीजिए, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाइए, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।